हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अंकुश शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में जो कार आप देख रहे हैं उसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। अंडर 10 लाख के बजट में जो कि ऑन रोड प्राइस में आ जाती है, और सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है कि अंडर 10 लाख में ये इकलौती कार है जिसमें रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है और काफ़ी पावरफुल कार है। तो बात कर रहे हैं हम इको की, और ये मोस्टली कमर्शियल पर्पज़ में ज़्यादा यूज़ होती है। बट मतलब इस भाई ने काफ़ी इस पर पैसा खर्च किया हुआ है और बहुत अच्छी डिसेंट मॉडिफिकेशन करा रखी है जिससे इसका बिल्कुल माफिया लुक आ रहा है। सबसे पहले अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें सारे शीशे बिल्कुल जेड ब्लैक है, और जेड ब्लैक कराने में आपकी ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती। डिपेंड करता है आपके एरिया पे, 500 से 700-800 रुपये में आपकी पूरी कार जेड ब्लैक हो जाती है, पर इस पे चलान 10,000 का है तो ये बहुत सोच समझ के कराएं। दूसरी मॉडिफिकेशन इसकी लाइटिंग में, इसमें काफ़ी तरह तरह की लाइट लगी हुई हैं, जैसे PCR लाइट्स और ये LED बार, और जो इसकी लाइट है वो टोटली LED सेटअप है, और इसमें DRL का भी मतलब यूज़ किया है। तो मैं आपको नाइट का व्यू भी दिखाऊँगा वीडियो में आगे। और जो इसकी और इसकी मॉडिफिकेशन जो लोगों को अट्रैक्ट करती है वो इसमें 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स, जो स्टॉक साइज़ आता है इको में वो आता है 13 इंचेस का, जो काफ़ी मतलब हाई प्रोफाइल टायर्स होते हैं उनमें जैसे कंफर्ट ठीक होता है, बट ना जो स्टेबिलिटी होती है, जैसे कि ये काफ़ी ऊंची गाड़ी है तो उसमें बॉडी रोल उन टायर्स में ज़्यादा होता है। अब जैसे ये टायर्स थोड़े ब्रॉड हैं तो उससे बॉडी रोल कार का कम हो जाता है और स्टेबिलिटी और ब्रेकिंग इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन माइलेज भी ज़रूर इफेक्ट पड़ता है इनका, तो ये सोच समझ के लगवाएं। बाकी शौक की बात है, भाई ने काफ़ी अच्छी तैयार कर रखी है गाड़ी। और जो आप इसमें लेफ्ट साइड में वो मिरर देख रहे हैं, आपने फॉर्चुनर या सफारी ऐसी गाड़ियों में देखा होगा। इसका ये सिर्फ शो के लिए नहीं होता, कई लोग सोचते हैं कि ये डमी है, पर इसका काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। ये नीचे के जो टायर का व्यू होता है, जो ब्लाइंड स्पॉट बनाते हैं उनको भी बिल्कुल अच्छे से दिखाता है। और इसमें इंटीरियर में भी काम हो रखा है, इंटीरियर में भी मतलब रेड पेंट करा रखा है जो डैशबोर्ड है उसके पैनल्स पे। और ये इसकी LED आप लाइट्स देख रहे हैं, नाइट में काफ़ी ब्राइट लगती हैं ये लाइट्स, और टायर भी काफ़ी ब्रॉड है तो उससे कंप्लीट बहुत अच्छा लुक आता है। देखिए नंबर प्लेट्स भी इसकी चेंज करा रखी है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स नहीं है ये। और जो ब्रेक्स का कैलिपर है उसे आप देख सकते हैं, ऑरेंज कलर में पेंट किया हुआ है, और ऊपर PCR लाइट्स देख सकते हैं, और जेड ब्लैक के साथ ये PCR लाइट्स काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं कार की लुक को। मतलब अगर आप नॉर्मली इको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बस हाँ, मतलब टैक्सी टाइप की आपके मन में एक इमेज बनती है, बट इस कार को देख के आप इसे सोच नहीं सकते कि इको ऐसी टैक्सी भी हो सकती है, बट ये टैक्सी नहीं है, ये पर्सनल नंबर कार है। देखिए DRLs का लुक कुछ इसका ऐसा, और ग्रिल में भी इसकी ब्लू कलर की लाइट है जो काफ़ी अच्छी लगती है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कहीं से कि कार ज़्यादा ही ओवर मॉडिफाई है या फिर कुछ ऐसी ओवर एक्सेसरीज लगा रखी है क्रोम वगैरह की, बिल्कुल सिंपल और डिसेंट टेस्टफुली तैयार कर रखी है। ये LED बार भी काफ़ी पावरफुल होती है, हाँ, पर ये तो मतलब इनमें भी कई क्वालिटीज़ आती हैं, अगर आपकी चल जाए तो काफ़ी ज़्यादा भी चलती हैं, और अगर आप सस्ती रेंज में लेते हैं तो चाइनीज़ ख़राब भी जल्दी हो जाती हैं। अगर लाइटिंग सेटअप की बात करूँ तो 3,000 तक इसकी जो मेन हेडलाइट है उनकी LED है, और 2,000 रुपये की ये बार लाइट होगी, और PCR लाइट आपको 1,000 से 1,500 रुपये में मिल जाएगी मार्केट में। और अगर अलॉय व्हील्स की कॉस्टिंग की बात करूँ तो लगभग आप 40,000 मान के चलें न्यू अलॉय व्हील्स और न्यू टायर के साथ ब्रांडेड, अगर चाइनीज़ टायर डलवाते हैं तो उसमें कॉस्टिंग आपकी कम हो जाएगी। नाइट में भी काफ़ी अच्छा लुक आता है इसका। और मैं बात कर रहा था इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी एक बार देख लो कि कैसे इसमें रेड वो है, रेड का टच है, और इसमें पावर विंडोज़ भी लगी हुई हैं, और फ्रंट शीशा भी इसका बिल्कुल जेड ब्लैक है। तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चल रही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।